मेरा ये तजुर्बा रहा है, अगर आपके मन में पूरी सच्ची भावना है, लगन है, तो जरूर आपका वो कार्य आगे बढ़ता है। मेरे नाना राजीव बापू बड़े क्रांतिकारी विचार के आदमी थे। अक्षर पुरुषोत्तम संस्था यानी अक्षरधाम वाले शास्त्री महाराज जिन्होंने ये संस्था शुरू की, योगी जी महाराज उनके विश्वास पात्र मित्र रूप में रहे, और सारे क्रांतिकारी कदम उठाने में जो प्रेरणा उन्होंने इन बड़े संतों को दी उसमें भी उनका बहुत बड़ा साथ रहा। मेरे को इंजीनियर बनाने में भी उनकी एक तमन्ना थी, एक ही थी, योगी महाराज को भी कहते हैं बापू माँ स्वामी इनको आशीर्वाद दो अमेरिका जाएं, पर स्वामी अमेरिका गवर्नमेंट के खर्चे से भेजना है। बापू स्वामी कहते हैं जाओ आशीर्वाद धप्पा लो, और उनकी तमन्ना जब कभी मिलते एक ही मन में उनकी रहती, जैसा माताजी को मंजूर था इंजीनियरिंग पास करी और कलकत्ता में नौकरी मिली हिंदुस्तान गैस एंड इंडस्ट्री में जिसका फर्नेस डिपार्टमेंट भट्टियाँ हीट ट्रीटमेंट फर्नेसेस जिसमें जापान का कोलैबोरेशन था, उसमें डिज़ाइन डिपार्टमेंट में मुझे जगह मिली। हम 21 इंजीनियर थे, 21 इंजीनियर साथ साथ काम करते थे, एक जापानीज़ इंजीनियर हमारे साथ ही रहता था, दिन भर उसके साथ उठना बैठना। फिचनापली में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के एक फर्नेस भी हमारी सप्लाई थी, उसका जब वहाँ इरेक्शन हो रहा था आगे बना रहे थे तो कुछ समस्या आ रही थी, जो हमारे 2-3 इंजीनियर गए वो उसको संभाल नहीं पाए और वहाँ का प्रशासन था बहुत नाराज हुआ। मेरे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर एससी जैन मेरे से बड़े खुश थे, उन्होंने कहा या तुम जाओ, और मेरे को एक 22-23 साल के बच्चे को हवाई जहाज से कलकत्ता से मद्रास और मद्रास से तिश्नापल्ली हवाई जहाज से भेजा गया। मैं वह गया जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आ रहा हो, और मैंने वहाँ जाके 4-5 दिन में उस समस्या का समाधान इस तरह से कर दिया कि आगे कोई कठिनाई रही नहीं। मैं छुट्टी मांगने वहाँ की चीफ इंजीनियर के पास गया, उन्होंने कहा नहीं भाई अब तुम यहीं रहोगे जब तक कि पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा, मैंने तुम्हारे प्रेसिडेंट से बात कर ली है। अरे मैंने कहा था मैं तो कपड़े ही नहीं लाया, अरे लाओ हम पैसा एडवांस दे देंगे, तुम कपड़े ले लो हमारे गेस्ट हाउस में रहो। लाइलाज था, 3 महीने वहाँ परिवार अकेला कलकत्ता में बैठा हुआ, मेरी वाइफ और एक डोकरी माँ थी वो अकेले, और दूसरे इंजीनियर थे उनको संभालने वाले। 3 महीने वहाँ रहा, और जब पूरी फर्नेस का काम कंप्लीट हो गया तब वापस कलकत्ता आया। तब तक हमारे पूरा मैनेजमेंट चेंज हो गया था, नए मुख्य अभियंता आ गए थे जो बड़े संत की मिजाज के थे, लोगों को दबा देना बिना मतलब के डांटना, अपना रौफ दिखाने की कोशिश करना। हालांकि मेरे को गुस्सा कम ही आता है, परंतु एक बार बिना मतलब के उन्होंने मुझे डांट दिया, मेरी उनसे बहस हो गई। तो गलत हिम्मत रहना, तुम्हारे बिना भी ये कंपनी चल सकती है। मैं बाहर आया और मैंने इस्तीफा लिख के भेज दिया। मुझे ये विश्वास नहीं था कि मैं अभी इतना बड़ा काम करके आया हूँ तिश्नापल्ली में, मेरा को इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, और हुआ इसका उल्टा ही। आधे घंटे में फटाफट निर्णय हुए और मेरे को लेटर मिल गया कि आपका इस्तीफा मंजूर हो गया है, आप अपना हिसाब क्लियर करिए और ले जाइए। मैंने मेरे लिए बहुत ही अजीब सा वातावरण था, मैंने केशव बाबू से हिसाब लिया, घर आया और वाइफ से कहा भाई सामान जमाओ। क्या हुआ कि नौकरी छुट्टी, चलिए साहब सामान पैक किया, छोटा ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ नहीं था, और दो दिन बाद टिकट लिए और अपने बिलाड़ा आ गए। यहाँ आए तो समय का बिलाड़ा 1966 का, बिजली आई थी, कोई काम नहीं, काज नहीं, खेती पुराने तरीके से,
मन ही नहीं लगे। महीना निकला, दो महीना निकला, तीन महीना निकले, परंतु माताजी को कुछ और ही मंजूर था। हमारे उन चीफ इंजीनियर साहब की उस मैनेजमेंट से झगड़ा हो गया और वो नौकरी छोड़ के चले गए। नए मुख्यमंत्री आए, उनको देखा काम, सारा काम रुका पड़ा था, खास करके तिचनापल्ली की फर्नेस का। अरे भाई क्या बात है, ये करे ना कि साहब, एक माधव सिंह करके इंजीनियर था, वो चला गया, उसी को सब पता था। अरे गया कहाँ साहब? घर ही गया, तो उसको बुलाओ। मेरे एक सीनियर पिलानी के, बिट्स पिलानी के थे, मिस्टर एस के अग्रवाल मेरे मित्र थे, उनका मेरा एड्रेस भी पता था। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी, अरे यार तू बढ़िया इंजीनियर है, कहाँ वहाँ चला गया, वापस आ। चिट्ठी मिली, खुद आना चाहते ही थे, पर यूँ तो कैसे आए। तो मैंने उस टाइम जब मैं नौकरी छोड़ी थी, मेरी तनख्वाह उस टाइम में 125 रुपये थी। मैंने वापस चिट्ठी भेजी, मैंने कहा साहब 700 रुपये देते हो तो मैं आने को तैयार। मैंने कहा जाएँ तो कुछ रुतबे से ही जाएँ। मुझे ये था कि 600 कहेंगे, 650 कहेंगे तो अपन मंजूर कर लेंगे। दो दिन बाद ही टेलीग्राम आ गया वहाँ से कि आपकी शर्तें मंजूर हैं। पहुँच गए साहब, पहुँच गए, ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के कोई महीने डेढ़ महीने बाद जापान जो हमारा कोलैबोरेटर था उनका वहाँ से चिट्ठी आई, एक इंजीनियर को हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजो। अब जब मैंने नौकरी छोड़ी थी तो मेरे से 10 इंजीनियर सीनियर थे, और जब वापस ज्वाइन की तो सब जूनियर हो गए। वो सब इसी तनख्वाह में थे, मैं थी 700 रुपये में सबसे सीनियर। और नतीजा ये हुआ कि हमारा जापान जाने का नंबर लग गया। एक साल जापान रहे, कंपनी का ही खर्चा, कंपनी का ही रहना, और जो जापान ने सीखने का मौका मिला उसका तो वर्णन कहीं और ही करूँगा। उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। कहने का अर्थ ये है, दो चीज़ लें अपन। एक तो मेरे नाना की पूरी तमन्ना थी, गवर्नमेंट के खर्चे से नहीं भेजा पर कंपनी के खर्चे से ज़रूर, अमेरिका नहीं गए तो जापान चले गए। कहीं आपकी तमन्ना अगर दृढ़ है तो वो ज़रूर कामयाब होती है। तीसरा, आई माता जी की इच्छा थी कि हमारा मेरा गादी पति बाहर जाके सीख के आए, ताकि वो अपने धर्मगुरु के पद का उपयोग समाज के हित में, धर्म के हित में ज़्यादा कर सके। तो विचित्र परिस्थिति बनी, क्यों तो मैं तिचनापल्ली जाऊँ, क्यों नौकरी छोड़ूँ, क्यों वही कंपनी वापस मुझे बुलाए और जापान भेजे। कहने का मतलब ये कि अगर आई माता जी चाहते हैं, आपका मन साफ़ है, अपने आप रास्ते खुलते जाते हैं और आप सीखते चले जाते हैं।